ने मतलब हम लोग ने बहुत जगह पे स्टे किया बट ऐसा बेड हम लोग ने कभी देखा नहीं है। इससे बढ़िया अगर वॉशरूम देखा है कमेंट करके बताना। वेलकम बैक टू द चैनल और आप सभी का स्वागत करते हैं टू टॉल टुगेदर पे। जब टू टॉल टुगेदर एक्चुअल में टुगेदर है क्योंकि आपके आपने हमारे व्लॉग्स देखे होंगे सारे में, श्वेतिका किधर और मम्मी पापा किधर और मैं किधर और सब क्या अलग है, बट नाउ फाइनली वी बोथ आर टुगेदर एंड यस आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। हम लोग ये व्लॉग भी कर पा रहे हैं, हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी 10-15 डेज से साथ में, बट यू नो बहुत टाइम के बाद हम साथ में, तो इसलिए हम लोग ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाए, बट फाइनली हमने टाइम निकाला। यस वी नीड टू कनेक्ट बैक टू दिस। एक्चुअली कुछ व्लॉग शूट किए हमने बट मुझे एडिटिंग करने को भी टाइम नहीं मिल रहा, तो एडिटिंग करके मैं बाद में डाल ही दूंगा, बट एज ऑफ नाउ यस। एंड आपने हमारा बहुत कुछ ऑलमोस्ट 3rd-4th वीडियो होगा जो लोनावाला का एक नॉस्ट्रा विला का था, सो इट्स वाज अ लग्जरी काइंड ऑफ स्टे, स्टेकेशन काइंड ऑफ यू कैन से, जो लोनावाला में था वो भी बहुत अच्छा, उसको व्यूज़ मिले थे। तो हमने सोचा कि ये बार भी हम एक जगह पर स्टेकेशन में जा रहे हैं, विच इज़ अगेन इन लोनावाला बट एक डिफरेंट प्लेस है एंड विच इज़ अ वेरी गुड, जहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली। एंड क्योंकि बहुत सुंदर है एंड हम लोग थोड़ा सा लेट आ गए तो इसलिए अभी थोड़ी देर में अंधेरा तो हो जाएगा, बट हम लोग को सबसे ज्यादा जो पसंद आया है यहाँ का इज द रूम। मतलब हमने बुक किया है इधर मास्टर कॉटेज स्वीट रूम, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे नॉर्मल रूम्स भी है एंड देन बट हमारा जो है दैट्स द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डेज, सो लेट्स गो इन। पिछली बार की तरह मैं हमेशा ऐसे करके आपको ये हमारा सीट रूम दिखाऊंगी। यू रेडी टू वॉच? लेट्स गो। सो ये सीट रूम बहुत यूनिक है एंड वो क्यों है वो आप देख के समझ जाओगे। सो कम हियर, a sneak peek to one side of the sit-out area and a sneak peek to the other side of the bedroom area, and there's one more place jiska sneak peek shall Praveen dega, isse main band karungi abhi. So let's come here first. So basically ye jo place hai ye ek bahut bada sa hall jaisa place hai jisko unhone एकदम प्यारे तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सो यू सी हियर एक बहुत बड़ा विंडो है हमें एंड इसको भी शटर शायद इसको ये कर्टन्स है, मुझे लगा था नीचे के शटर है जो नहीं है, बट ये बहुत एंटीक यूनिक स्टाइल में ये चेयर्स है। इफ यू सी दीज गिव दिस रूम अ रियली नाइस लुक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं इसके इंटीरियर से। इसका इंटीरियर अगर आप देखोगे तो ये पूरा वुडन आर्किटेक्चर है, ऊपर अगर देखो पूरा रूफ वुडन है जिसकी वजह से उसको टॉल सीलिंग का इफेक्ट आया है। एक्चुअली यहाँ पे अभी इवनिंग में थोड़ी लाइट कम है सो इसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट है, बाकी मैं कल भी सुबह मॉर्निंग का थोड़ा चाहिए तो एक शॉट डाल दूंगा लास्ट में तो आपको पता चल जाएगा। अभी कुछ इवनिंग के 6 बजे हैं, 6:30 बजे आप देख सकते हो, 6:30 हुआ है तो यस। एंड सबसे स्पेशल थिंग यहाँ का जो है ये बेड, तो ये बेड हम लोग ने मतलब हम लोग ने बहुत जगह पे स्टे किया बट ऐसा बेड हम लोग ने कभी देखा नहीं है एंड दिस इज अ वेरी यूनिक एंड वुडन स्ट्रक्चर है ये नीचे यहाँ पे एंड उसके ऊपर मस्त में इन्होंने ऐसे 2 स्टेप्स किए हैं और मस्त में उन्होंने मैट्रेस बिछाई है, सो इट्स गुड एंड मतलब समथिंग यूनिक है। सामने का जो व्यू है इज दिस विंडो, इतना बड़ा विंडो, सो इट इज विंडो, देन विंडो में से पूल दिख रहा है, कुछ ग्रीनरी है, कुछ स्टफ है वहां पे, कुछ पॉन्ड जैसा छोटा सा है एंड इट्स गुड व्यू, बेसिक व्यू बट वी कैन से इट्स अ गुड व्यू। या आगे बढ़ते चलो। या बेसिक एमिनिटीज हमने प्रोवाइड किया है, टेलीविजन जिस पे सब कुछ है, नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम ब्ला 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 एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, वाईफाई इंक्लूडेड है, सो अ ग्रेट थिंग इफ यू वांट टू आल्सो वर्क फ्रॉम होम
एंड हम लोग कुछ बुक्स प्रोवाइड की एंड देन अगेन इट्स क्यूटली डेकोरेटेड विद प्लांट्स एंड छोटा सा कैबिनेट है फॉर चाय एंड ऑल एंड देन देयर इज आल्सो रेफ्रिजरेटर ओनली रेफ्रिजरेटर जो मे बी हम लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे बट ओके सो बेसिकली दिस इज द रूम टूर एंड मुझे रूम बहुत अच्छा लगा. आपको अगर ये जानना है कि ये कितने में हमको पड़ा, व्हाट इज द बजट ऑफ दिस रूम ऑफ दिस प्रीटीस्ट रूम, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. नाउ वी गो फॉर अ स्नीक पीक टू द अदर रूम. रवि, यू वांट टेक ओवर? यस. सो आगे का एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं. फेवरेट पार्ट. ओह यार, रियली दैट्स द फेवरेट पार्ट. इट्स सो ब्यूटीफुल. सो दिस इज अ वेरी गुड और समथिंग यूनिक. मतलब ऐसा वॉशरूम तो मुझे नहीं लगता आपने भी फाइव, बिकॉज मैं ताज में भी रहा हूँ, ठीक है, तो कोई फाइव स्टार प्रॉपर्टी में भी मुझे, मैंने आज तक ऐसा वॉशरूम देखा नहीं है, बट ये वॉशरूम इतना तगड़ा है. तो आ जाते, चलो दिखाता हूँ. सो बेसिकली ये है इतना बड़ा वॉशरूम. मतलब मुंबई के 1 BHK भी, 1 BHK नहीं, अपना वन रूम किचन होता है उतना तो इसका वॉक इन वार्डरोब और वॉशरूम है. वॉक इन वार्डरोब मैं दिखा देता हूँ. सो श्रुतिका, आप वॉक इन वार्डरोब दिखा दो. ओके, सो ये है वॉक इन वार्डरोब. अगर आप देख सकते हो, प्रवीण मेरे से हाइट पे पीछे और दिख रहा है, मतलब सोच सकते हो कितना हाइट है वहाँ का. सो ये है बेसिकली जो हर एक लड़की का ड्रीम होता है कि आप एक बड़ा सा आईना है एंड देन देयर इज अ क्लोजेट कि आप यहाँ पे कपड़े वपड़े सब हैंग कर सकते हो. ड्रॉअर बिल्कुल एक इसकी तरह है, मतलब घर पे जैसे कबर्ड होता है ना, बिल्कुल वैसे है. तो ये काफ़ी आइडियल स्पेस है अगर आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए एक्ट कर अगर यूज करना है ये स्पेस को. सो एग्जैक्टली वैसा है ये एंड दैट्स द हिडन वॉक इन वार्डरोब. एंड यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ वेरी नाइस शार्प एरिया. सो मतलब आप भी कमेंट करके बताइए आपने इससे बढ़िया अगर वॉशरूम देखा है कहाँ पे, तो मतलब कमेंट करके बताना तो बनता है. नहीं, मुझे तो नहीं लगा, मैंने तो नहीं देखा. मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ तो अलग है इतनी बड़ी स्पेस में. मतलब सो इस विंडो में और यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हो, या तो बैठ के आप ब्रश कर सकते हो, ठीक है, गप्पे मार सकते हो. हाँ, मतलब चिल कर सकते हैं यार, मतलब इतनी बड़ी स्पेस है, क्या ही करोगे. मतलब टाइम स्पेंड, मतलब मुझे तो स्पेशल है ना, आई डोंट नो किसको पसंद है, मुझे बड़े वॉशरूम बहुत पसंद है. और पता नहीं, मतलब छोटे वॉशरूम में मुझे टाइम स्पेंड करना, मतलब नहाना भी मतलब फटाफट 10 मिनट में नहा के निकल जाऊंगा, बट ऐसा बड़ा वॉशरूम में तो फिर वही लगता है कि हाँ 20-25-30 मिनट थोड़ा आराम से गुजारना बनता ही बनता है. तो बाकी कुछ इंटरेस्टिंग अभी नीचे का जो व्यूज एंड ऑल है वो सारी चीजें हम लोग अभी जब नीचे जाएंगे तो रिवील करते हैं. बट एज ऑफ नाउ रूम तो ये है, बहुत ही सेक्सी. और इसका फ्लोरिंग भी आप देखो, सब चीजें यूनिक है. मतलब फ्लोरिंग इज ऑल्सो यूनिक, फ्लोरिंग भी पुराने स्टाइल का है, मतलब इंटरेस्टिंग है. और बाहर हम लोग के लिए कुछ ऐसा सिर्फ कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रखा हुआ है. सिट आउट एरिया में तो मुझे तो यहाँ पे आईना दिख रहा था, तो मैं इसे एंट्रेंस भी यूनिक है. मतलब इसका एंट्रेंस भी आप देखोगे ना, तो यू आर एंटरिंग थ्रू विंडो, लाइक इट्स अ विंडो एंड विंडो को इन्होंने लॉक बनाया है एंड इवन एंटर थ्रू विंडो. मतलब चिल एकदम, मतलब कुछ अलग अलग नाइस डेकोरेटेड, नाइस कलर्स और ये कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव पीस है चीज यहां पे रखी हुई है. सो दैट्स ग्रेट. अभी इतना लंबा से आवाज कितना जा रहा है मुझे नहीं पता. फ्रॉम द मॉर्निंग व्यू ऑफ द सेम रूम, पता नहीं तब तक इतना अच्छा दिखेगा या नहीं, बट एक्चुअली यही था कि अभी लाइट कम थी, फिर भी मैंने श्रुतिका को बोला कि शूट करते हैं, क्योंकि अभी कैसे चीजें थोड़ी प्रॉपर है, टॉर्चर देखो कि एकदम सेट है, चीजें सारी सेट है. अभी जैसे हम लोग यूज करेंगे तो ये इधर उधर हो जाएंगी, फिर कल सुबह आपको इतना मजा, इतना प्यारा एकदम सेट नहीं देखने मिलेगा. तो दैट्स वाई वी थॉट कि पहले हम लोग जस्ट पहुंचे, फिर पहले हमने शॉट लेते एंड देन बाकी फिर कल तो जैसे होगा तो वो तो दिखाई देंगे आपको. यस कूल, थैंक यू सो मच गाइस. नहीं, थैंक यू सो मच कि व्लॉग अभी बाकी है, पूरा एंड तक देखना. प्राइसिंग जानना है तो एंड तक देखना. सो हे गाइस, शाम के बजे ऑलमोस्ट 9, तो इधर
इधर भी खाना मिलता है, मतलब इधर आपको घर का खाना चाहिए तो यहाँ पे आंटी जी वो घर का खाना बना के दे देती है, जिसमें भिंडी की सब्जी, कुछ पालक का सब्जी एंड ऑल ऐसे कुछ तो मैंने बताया था उन्होंने, बट मेरे को नहीं खाना था क्योंकि मेरे को भिंडी पसंद भी नहीं है। एंड देन घर का खाना मतलब प्रॉपर घर का था, वो जो प्रॉपर घर का नहीं तो मेरे को थोड़ा नॉर्थ इंडियन टाइप खाना था, श्रुतिका को भी वैसे ही खाना था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आप आराम से स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हो, सो वी ऑल्सो ऑर्डर। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया बता, तो आज सैटरडे मेरा फास्ट रहता है इसके लिए वेज ही खाना पड़ता है, तो वी हैवंट ऑर्डर्ड नॉन वेज। तो हमने ये कुछ मंगाया पालक, सॉरी पालक बोल रहा हूँ, पनीर टिक्का मसाला, देन दिस इज वेज बिरयानी, इसमें कुछ है मुझे लगते हैं हमारे इसमें हमारे नान है बटर नान, इसमें हमारी एक रोटी हमने एक एक्स्ट्रा मंगाई थी लगी तो, और इसमें कुछ प्याज और नींबू वगैरह सब कुछ रहेंगे। एंड ये प्लेट्स वगैरह यहाँ पे नीचे सो कॉमन रूम है, तो ये एयरबीएनबी है तो तुम्हें थोड़ा सेल्फ सर्विस करना पड़ता है, तो ये कुछ लाके वैसे दे देनी है, तो मैं अभी नीचे जाके ये प्लेट्स डिशेस और स्पून्स और ये चीज़ें मैं लेके आया हूँ। और खाना भी ये आ जाता है लेकिन गेट पे आ जाता है, यू नीड टू गो डाउन टू दी गेट, गेट पे जाके आप ले सकते हो। है नहीं मैं बोल रही थी यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, इफ यू वांट टू ब्रिंग इन समथिंग। हां माइक्रोवेव भी है, वो भी कर सकते हो आप, रेफ्रिजरेटर भी है। एंड यस गुड, खाना भी बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है, तो फटाफट खाते हैं फिर आपसे मिलते थोड़ी देर में। थोड़ी सी मीठी सी, और ये है अपने बटर नान। मजा आ गया।